राउंड पेपर देने से पहले हमारी शर्त लगती थी कि जिसके कम नंबर आएगा ना वो सबको जूस पिलाएगा। तो इससे यूँ होता था कि हम कैंप में कि इससे ज़्यादा बढ़ूंगा इससे ज़्यादा बढ़ूंगा कि जूस कल उसको भी पिलाना पड़ेगा, यूँ शर्त लगा के जाते थे। ये लड़का ट्रिपल के एग्जाम दे के आया था, आज बीकानेर कॉलेज का एडमिशन है। साहब आदमी हिम्मत रखनी पड़ती है, जोरदार था मेरे बच्चे के लिए। गया मेरे साथ कुछ गार्जियन थे, मैंने घुसते ही पूछा भाई ये CLC कैसी है क्या है, चाहे उस वहाँ गाड़ी वाले से पूछ लो किसी से पूछ लो, वो कहते हैं सिक्कर में अगर एडमिशन कराना तो CLC कराओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, आज मैं खड़ा हूँ बीकानेर के पास एक माँ करणी का बहुत अच्छा मंदिर है। देशलोक के पास एक राशिसर गाँव है जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है और नोका विधानसभा में आता है। विष्णु सीगढ़ है, इसी गांव का है, SP कॉलेज बीकानेर मेडिकल कॉलेज में है। करण सुजानगढ़ का है, यहाँ बीकानेर है। हमारा प्रवीण जिसके घर में बालोतरा से लाइव करके आया था, और एक हमारा हर्षित सिद्धार्थ राजपुरोहित है नागौर से, आप जोधपुर ब्रांच से हैं। ये चारों बच्चों के लिए तालियां बजाएं, ये चारों सेलेक्ट डॉक्टर हैं, बैठे प्लीज। जय CLC, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं बोस के पास 2 साल रहा था सिक्कर। पहले साल में मेरे 570 मार्क्स थे 2019 में, और कट ऑफ 580 थी। तो उस टाइम यूँ था कि मार्जिनल केस था कि सिलेक्शन हो जाएगा नहीं भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा क्यों चुपचाप था, डिप्रेशन में ही था कि हाँ होगा कि नहीं होगा, दोबारा करूँ कि नहीं करूँ। तो उस टाइम बॉस के 3-4 बार फ़ोन आए कि सिक्कर सिक्कर आ जा। मैंने कहा ठीक है। पापा ने उस टाइम कहा कि मतलब बीकानेर ले, 1 साल तूने सिक्कर कर ली कोचिंग, अब बीकानेर ले ले। तो मैंने उस टाइम एक ही बात बोली थी, मैंने कहा अगर दोबारा करना है तो मैं CLC सिक्कर ही करूँगा या तो करूँगा ही नहीं। अब ये लगाओ मेरे CLC के प्रति क्यों था कि इसके कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। पहला तो एक वहाँ केयर थी। केयर कैसे थी, इसका एग्जांपल है हमारे हॉस्टल में रामस्वरूप जी वार्डन सर हैं। तो एक बार कोई बच्चा बीमार हो गया था, सर्दी का टाइम था, लगभग 11-12 बजे थी, थोड़ा सा फीवर था उसको और सर दर्द कर रहा था। तो उसने चाय की डिमांड की, सर ने कहा चाय पीनी है। हाँ सर। अब चाय दुकान वकान सारी बंद हो गई थी और हॉस्टल में चाय बनती नहीं थी, और टाइम टाइम से आती थी सुबह और दिन में। अब तो रामस्वरूप जी उस टाइम 11:30 से 12 बजे के आसपास नीचे पास में बॉस का घर है वहाँ से गार्ड रूम से चाय बना के लेके आए और उसको चाय पिलाई। क्या बात है, एकदम पेरेंटल केयर, मतलब केयर इतनी शानदार की मतलब एकदम पारिवारिक माहौल। मैं तो वहाँ होली की छुट्टियों पर भी घर नहीं आया था, वहीं रहा था। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें CLC की, तो यूँ था कि हम हॉस्टल से निकलने पर हमारी अटेंडेंस होती थी, वहाँ एकदम रजिस्टर में नाम लिखा जाता कि विष्णु हॉस्टल से निकल चुका है। और उसके बाद CLC में बायोमेट्रिक थी, अंगूठा लगता था कि हाँ ये CLC पहुँच चुका है। और शाम को फिर वो लिस्ट आती थी हॉस्टल में और क्रॉस चेक होती थी कि ये बंदा हॉस्टल से निकल गया और ये क्लास गया है, तो उससे कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। यानी पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि ये बच्चा बिगड़ जाएगा बाहर जाके, उसकी केयर कौन करेगा, वो क्या किसकी संगत में रहेगा। तो बिल्कुल एकदम के हॉस्टल से निकलने के बाद हाँ वो वन वे ही था कि CLC जाना ही है उसको, पूरी शाम को एकदम क्रॉस चेक। और उसमें कोई पकड़ा जाता फिर घर पर सीधा कॉल जाता था। और असेंबली की, तो हाँ असेंबली का यूँ था कि मतलब 15-20 मिनट की असेंबली लेने के बाद यूँ था कि 7-8 घंटे बस नींद लेके ही उठे, इतना रिफ्रेशमेंट, इतना बॉडी एनर्जी हो जाती। सुबह की क्लास ली हुई, दिन में पढ़ा हुआ, अरे एकदम थोड़ा सा यूँ थक ही जाता है, ब्रेन भी थक जाता है। पूरी असेंबली में 15-20 मिनट बैठने के बाद यूँ इतनी ताकत आ जाती थी कि हाँ 7-8 घंटे और आराम से पढ़ सकते हैं रात की नींद से पहले। और फिर रात की नींद के बाद सुबह वापस वही रिफ्रेशमेंट, तो 2 तरह का रिफ्रेशमेंट हो गया। तो असेंबली हनुमान चालीसा करते हैं, और हनुमान चालीसा यूँ था कि मैं अभी घर पर करता हूँ, डेली करता हूँ मैं, लेकिन जो उस ग्राउंड में बैठ के जो फील आया था ना मेरे को, वो यहाँ घर पे कभी नहीं आया। जो बॉस के साथ बैठ के वहाँ सब बच्चों के साथ बैठ के जो फील आता था ना, वो कभी नहीं आया। और बॉस की केयरिंग की बात करें तो हमें डेली 15-20 दिनों में एक बार घर बुलाते थे, और वहाँ एकदम मार्क एनालिसिस किए जाते कि कितने नंबर आए हैं। और बॉस एक ही बात कहते थे, अगर किसी के 680 है तो तेरे इतने नंबर कम क्यों हैं, कट कहाँ रहे हैं, मेरे को बता, प्रॉब्लम बता, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस टीचर से तेरे को डाउट पूछना है, तू तो बस वो नाम बता दे, बाकी मैं कर लूँगा। और बाकी कैंप तो CLC का अल्टीमेट था ही, और लास्ट तक जाते तो कैंप और शानदार था, क्योंकि सारे पास में कैंप से गेट से कमरे से निकलते डाउट काउंटर सामने, आपको कैंप के दौरान स्टडी कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट आ गया तो आप सीट से उठो, 5 मिनट में अपना डाउट पूछ के आगे वापस चुपचाप सीट में बैठ जाओ। एकदम टाइम होता था कि इस टाइम में अपन डाउट पूछ सकते हैं। तो कैंप का हो गया। और लास्ट में मैं नीट एस्पायरेंट जो भी देख रहे हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छा पढ़ें, अपनी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखें, और एक है कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करें, जितने भी है क्वेश्चन CLC के हैं और बाकी जो भी कोई इधर उधर आप गाइड रेफर करते हो तो उनके बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करें, और एक छोटा सा ग्रुप बनाएँ
पाँच छः मित्रों का, जैसे मेरे पास ही करण बेटा है, करण बाम्बू था, प्रवीण था, अभिषेक था, हम सारे साथ रहते थे। तो हम पेपर देने से पहले हमारी यूँ शर्त लगती थी कि जिसके कम नंबर आएगा ना वो सबको जूस पिलाएगा। तो इससे यूँ होता था कि हम कैंप में कि इससे ज़्यादा बढ़ूंगा, इससे ज़्यादा बढ़ूंगा, कि जूस कल उसको भी पिलाना पड़ेगा, यूँ शर्त लगा के जाते थे कि हाँ इसको तो जूस पिलाना ही है कल। तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया, ज़्यादा नहीं, ऐसे तीन चार पाँच, बस मैक्सिमम पाँच, यार एकदम साथ रहो, जिससे यूँ होगा कि आपको डाउट के लिए आप एकदम आसानी है, क्योंकि हर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पाँचों बैठ के सोल्व ना कर सको। और बाकी तो सीएलसी के इतना, हाँ मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, तो मैं दिन में दो पेपर देता था, एक तो डेली टेस्ट सीरीज चलती थी सीएलसी की, जब लॉकडाउन था तब तो सीएलसी की डेली टेस्ट सीरीज चलती थी, एक सीएलसी के मतलब इलेवंथ के वो टेस्ट सीरीज थी, वो खूब पड़ी थी। तो मेरा यूँ था कि लास्ट तक जाते मैं दिन में दो पेपर देता था, फिर भी मैं उन टेस्ट को ख़त्म नहीं कर सका, यानी इतना मैटर पड़ा है ऑनलाइन सीएलसी द्वारा कि मैं उनको ख़त्म ही नहीं कर सका। और बाद में जो मैं नीट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे यूँ ही थे कि यार ये तो ये देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, बहुत एकदम यूँ, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात स्टार्ट करूँगा। मैं 2020 और 2021 दो साल सीएलसी में रहा था, मैंने ये अनुभव किया था कि समय के साथ सीएलसी अपडेट होती है, दूसरी कोचिंग के साथ साथ सीएलसी में नया ये है कि सीएलसी समय के साथ अपडेट होती है, समय के साथ अपडेट होती तथा समय से आगे भी रहती है। लोग आज से पाँच साल बाद पहुँचेंगे ना, सीएलसी आज वहाँ पे है। क्या बात, सीएलसी आज वहाँ पे है, पाँच साल बाद, छः साल बाद लोग पहुँचेंगे वहाँ, सीएलसी आज पहुँच चुकी है। जैसे देखो, एक आईडी के बारे में बात करूँगा मैं, क्योंकि मैं बॉस के ज़्यादातर लाइव देखता ही रहता हूँ। तो एक आइडिया आया था, सर ने बताया था कि गुरु नीति वाला आइडिया अल्टीमेट था वो, अल्टीमेट भाई, उसको अगर अपन एक्सीलेंट बोलेंगे ना तो भी कम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। गुरु नीति पड़ी है और लॉकडाउन लगने के बाद जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके विद सॉल्यूशन टेस्ट पड़े हैं यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सीएलसी का अगर अपन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उससे तैयारी करना स्टार्ट करें ना, तो भी अपन नीट को ठोक सकते हैं, नीट को आसानी से ठोक सकते हैं। और सीएलसी में और दूसरी कोचिंग में नया क्या है, अलग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि सीएलसी में एक पारिवारिक माहौल है, एक गाइडेंस है, और अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होता है, मेंटली हो जाए चाहे किसी और से, तो एक प्रॉपर मतलब ऐसा लगता है कि अपन पिताजी के पास जाके कोई चीज़ पूछेंगे तो वो अपने को कैसे बताएंगे, क्योंकि बॉस सीधा बोलते हैं कि अगर आपको मेरे से मिलना हो तो आप किसी को बताओ मत, सीधा मेरा रूम खुला है, अगर आप किसी को आपको कोई रोक भी देना तो मेरे को बता देना कि इसने मेरे को रोक लिया आपके पास से आते हुए। तो आज इतनी बड़ी कोचिंग का निर्देशक है, वो ये कहता है कि आपको कोई रोक ले तो मेरे को बता देना, मेरा गेट आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। और ये था कि मैं इसी कोचिंग स्कूल से निकला था और वहाँ जाते हुए मैं यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल लगभग सेम ही था। देख रहा हूँ, सेम सा माहौल है, तो बिल्कुल सेम माहौल है। और एक बार दो ताल रमेश भाई के लिए। ज़्यादातर ये होता है कि स्कूलिंग से जाता है तो फाउंडेशन की कमी महसूस होती है, मैं सच बताऊं तो यहाँ से निकलने के बाद मेरे को ऐसा कुछ नहीं, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं फाउंडेशन से नहीं हूँ या फिर स्कूलिंग से निकला हुआ हूँ, तभी तो आज 680 पे हूँ। 680 पे, जोरदार यार, क्या बात है। और वहाँ के टीचर के बारे में बताया जाए तो ऐसा है कि मतलब वो टीचर, एक टीचर के साथ साथ वो एक दोस्त बन के रहते हैं। मेरे सबसे प्रिय टीचर के बारे में बताना चाहूँगा, किशोर सर और आरसी सर के बारे में। एक बार की बात थी कि अपना वो डाउट काउंटर था वो 7 बजे तक लगता था, तो मैं 6:50 पे वहाँ पहुँचता हूँ। किशोर सर जाने वाले होते हैं कि मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ, सर मेरे को 2-4 क्वेश्चन बताने होते हैं। हम 6:50 पे स्टार्ट होते हैं और 7:40 तक बात करते रहते हैं, हालांकि उनका टाइम कितना था, 7 बजे तक था, पर वो 7:40 हो गए अभी भी मेरे को नहीं कह रहे कि मैं जाऊँगा, मेरा टाइम हो गया है, वो मेरे से बात करने पर लगे हुए, मैं उनसे डाउट पूछने पर लगा हुआ, ठीक है। आरसी सर के बारे में बताया जाए तो वो तो अल्टीमेट, मेरे को कहीं पे रास्ते में मिल गए, खाना खाने जा रहे हैं, अगर मिल गए ना तो ये बोलेंगे तेरे कोई डाउट हो तो बता दे, 3-4 डाउट होंगे तेरे ज़रूरी, पूछ ले मेरे से, अभी भी पूछ ले, बाद में परेशान करेगा, अभी पूछ ले मेरे को। तो ये था कि मतलब टीचर से ना, टीचर से अगर अपन बात करके बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिजी हूँ बाद में बताऊँगा,
और कैंप के बारे में तो कुछ कहना मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि कैंप तो अपने आप में ये है कि वरदान के लिए है। क्या बात। लास्ट में जैसे बॉस का एक आइडिया था कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक 3 दिन में मतलब प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन निकालना पूरा, हाँ भाई, वो तो एक टर्म ब्रह्मास्त्र की तरह उसके कारण रिजल्ट बहुत इम्प्रूव था, बहुत इम्प्रूव था बहुत। और सिक्स पैक को तो बच्चा अगर सोल्व कर ले तो ये तो मैंने पता सिक्स पैक क्या है, ये नई 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 खोज है सिक्स पैक इस साल की। सिक्स पैक कुछ नहीं है, बस ये 6 किताबों का एक सेट है। 20 को पता नहीं है, 20 वालों को पता नहीं है। ये 20 वालों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि सीएलसी ने समय के साथ अपडेट किया है अपने आप को। सीएलसी ने अपने आप को समय के साथ अपडेट किया है और सीएलसी एक नया विचार लेके आती है मार्केट में, एक नया विचार लेके आती है, लोग उनके पीछे चलते हैं, ये रियलिटी है। मेरा अपने आप ये नवरत्न जी सर है जिनको जिनसे मेरी बात होती रहती थी तो वो मेरे को पूछ लेते क्योंकि वहाँ मेरे को मतलब एकदम बच्चे की तरह अपने बच्चे की तरह संभाल के रखने वाले नवरत्न जी थे। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलते थे कि तू कहाँ पे है, तेरी पढ़ाई कैसी है, लॉकडाउन में कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? तो मैंने उनको बता दिया कि मैं रमेश जी के पास हूँ और मेरी पढ़ाई सही चल रही है। तब उन्होंने कहा कि तू एकदम सही आता पहुँच चुका है, तू अब 2-3 महीने जब तक लॉकडाउन रहे वहीं पर रहना। और बाकायदा रमेश जी ने मेरे को 2-3 महीने यहाँ पर रखा, उसके बाद CLC छोड़ने आए और हफ्ते में मेरे को ये बोलते थे कि ज़्यादा नहीं तो तू अपने मतलब संडे को 5 मिनट मेरे को दे के बता दिया कि टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। और ये रमेश जी सर मेरे को 5 बजे से 6 बजे तक मेरा वेट करते थे कि मनोज का फ़ोन आने वाला है, नंबर बताएगा कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, ठीक है। और CLC मेरे लिए तो ये है कि अगर कोई बच्चा टारगेट में या फिर नीट और JEE की तैयारी करना चाहता है तो एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। दो तीन बातें मैं इसे करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि आपको इस बार आपने कहा सेल्स अपडेट हुई, जैसे पीछे 4 डॉक्टर बैठे हैं ये सिक्स पैक नहीं जान रहे, केवल 1 साल पुरानी बात है। सिक्स पैक क्या है? 2 बायो की बुक्स हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं, 1 फिजिक्स की है और 1 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सिक्स पैक की एक शानदार बुक है जो इस समय पूरे देश में उसकी डिमांड हो रही है। इसके अलावा आपने टेस्ट कितने दिए पूरे साल में? मैंने 100 टेस्ट दिए इस बच्चे ने, वो भी लॉकडाउन के बाद बार। और आप 680 के स्कोर पे खड़े, आपके टेस्टों का दंगल का एवरेज कुछ जाने कितना था? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अगर आपके याद हो न हो, नीट के पेपर से पहले बिल्कुल 29 तारीख को रमेश जी आते हैं सीकर, बिल्कुल वो मेरे को आपके पास लेके आते हैं, याद है बिल्कुल मुझे, ठीक है। और मेरे को आपके पास मार्कशीट मंगवाते आप मेरे से और आप उस पर बाकायदा मेरे पास वो लिस्ट घर पे पड़ी है और मैं विजय उत्सव पे आऊंगा तो आपके पास लेके आऊंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। उस पे 680 ही लिखा हुआ है, 680 ही लिखा हुआ। मैंने इसीलिए कोट किया कि मुझे याद हो चीज, क्योंकि उन्होंने इस 680 लिख के आगे प्लस कर दिया। फिर मेरी गलती, वो 700 लिखते साथ होते तेरे यार, उस टाइम अगर आप 700 लिख देते तो शायद हो भी जाता क्योंकि आपने 680 लिखा था, मैं उस पे ही रुक के आगे। सबसे पहले ये बात है CLC क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई तो कोई भी कोचिंग करवा सकती है और करवाती है जनरली, लेकिन CLC आपको कोचिंग के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोचिंग के बाद जब आपका केयर करना है, आपको रात को अगर आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे उसका ध्यान रखना होता है। मैं कोट करना चाहूँगा रामस्वरूप जी सर, जो हमारे वार्डन थे हॉस्टल में बी बिल्डिंग में, उन्होंने काफ़ी ध्यान देते मतलब पर्सनली एक बच्चे को, अब आप सोचो बॉस है, अब उनको 10-12 हज़ार के पास बच्चे हैं, अब वो आपको पर्सनली आपको जानते हैं, आपको बुलाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो ये नहीं कहते कि आप दिक्कत है हमें बताओ, बॉस थे जो हमें खुद बुलाते थे, तेरे को कोई दिक्कत है कि नहीं है ये बता। तो इनका प्यार ही था और इनका मार्गदर्शन था, जरूरत पड़ने पर जब भी नंबर कम आते थे, डिप्रेशन होते थे, वो खुद हमको बुलाते थे, कहाँ प्रवीण आ जा, तुम आ जाना, तेरे से बात करनी थी, तेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, अब नंबर कम आ रहे हैं, तो इनसे मतलब वो पूछते थे हर चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये केयर जो दूसरी कोचिंग नहीं कर पाती है। बॉस का ये इसमें सबसे निपुण कार्य बॉस ये करते हैं कि सबको ध्यान रखते हैं, मतलब एक एक चीज़, अब 10-12 हज़ार आप सोचिए किसका नाम बॉस याद रखेंगे, लेकिन फिर भी वो करते हैं, काफ़ी उनका नाम, काफ़ी लगभग सारों के नाम याद है, पर्सनल केयर देते हैं, पर्सनल केयर आपको कहीं नहीं मिलती है। वो स्टडी कैंप करना, नाइट कैंप है, इतना क्वेश्चन है, इतना पेपर है, एक हमारे सुबह सुबह जब हमारे पेपर आने वाले थे तो बॉस सुबह 6 बजे हम आके उठा के पेपर दिलाते थे, 6 बजे हम क्लास टेस्ट शुरू किया था, रैंडम टेस्ट शुरू किए थे, तो 6 बजे हम उठते उनको पेपर दिलाते थे। कोई कोचिंग और हम जाते थे हमसे पहले ये आके खड़े होते थे सर, तो कोई कोचिंग का डायरेक्टर इतना बड़ा डायरेक्टर वहाँ पर क्यों खड़ा रहेगा, तो उनका पर्सनल केयर है और आपको मतलब आगे बढ़ना है, वो देखते हुए उनका सपना है, वो आप खुद को आगे बढ़ता है, और हमको भी जरूरी मतलब उनका पहला है कि हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम आगे बढ़े तो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। और बाकी मतलब सिस्टम बाकी CLC काफ़ी सही है, काफ़ी चीज़ें होती है, आपको पेपर होते हैं, आपके पेपर के बाद एनालिसिस होती है, पेपर के बाद मतलब काफ़ी उनके जब लॉकडाउन लगा था तो बाकी कोचिंग की तरह वे छोड़ सकते थे हमें, लेकिन नहीं, उन्होंने हमने ध्यान रखा, इवन जब
मैं पेपर देने गया था तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने मेरे को रात को कॉल किया, तेरा सही है तबीयत, पेपर देने से पहले उन्होंने मेरे से बात की, लॉकडाउन में दो तीन बार उन्होंने फ़ोन किए, मतलब जो नहीं कर दूसरी चीज़ नहीं कर पाते उन्होंने कोई काम किया है। और सीएलसी मतलब ज़िंदगी बदलने के कुछ फैसले करने होते हैं और कुछ एफर्ट करने होते हैं, तो सही फैसला करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके अंदर एफर्ट भी आपकी खुद की मेहनत भी चाहिए होती है। तो सही फैसला तो अभी तो जो भी नीट और आईटी के एस्पिरेंट उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएलसी आपके लिए सही फैसला है, और जो एफर्ट है वो आप खुद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, वो आपका ना 80% ये करता है आपको सिर्फ 20% करता है, लोग 50-50 कहते हैं 50-50 नहीं करना है, ये 80% करते हैं आपको सिर्फ 20% सहयोग करना है उनका, अगर आप 20% सहयोग कर पाओ तो आप बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अब यही अब बॉस उनका प्यार था तभी मैं कॉलेज से अभी यहाँ पर आया, क्योंकि बॉस ने कहा था कि बॉस आ रहे तो हमें जाना है, तो सीएलसी आपके लिए बहुत सही है और बॉस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बच्चे को 12 तारीख की रात को दर्द आ गया पथरी का, सुबह फिर एग्जाम देने गया, इस बच्चे के साथ ड्रिप लगा हुआ था। लाइव देखने वालों रोना मत, ये लड़का ड्रिप लग के एग्जाम दे के आया था, आज बीकानेर कॉलेज इसका एडमिशन है। साहब आदमी हिम्मत रखनी पड़ती है, जोरदार तरह हमारे बच्चे के लिए थैंक यू। निश्चित रूप से रमेश जी, इस साल जितने उत्साह मैंने देखा सीएलसी के लिए, शायद अपने इस विद्यालय के लिए भी उन्होंने इतना उत्साह उनमें मैंने नहीं देखा, और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों इतना उत्साह था। मनोज जैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो तो एक कारण है ही, पर निश्चित रूप से आपकी संस्था में उन्होंने स्वयं जाकर के जो देखा और जो अनुभव किया उसी के बदौलत शायद उनमें इतना उत्साह है। और आपने भी बता दिया, बिल्कुल स्पष्टवादी हैं आप, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में चारों तरफ लूटने खसोटने वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं, इसलिए किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास न करें ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। तो इस समस्या को भी रमेश जी ने बखूबी चारों तरफ से ठोक बजा करके देखा कि निश्चित रूप से सीएलसी ऐसी संस्था है जो हमारे ग्रामीण बच्चों को, जिन बच्चों को हम यहाँ तराशते हैं उनको इस तरह से नगीने में फिट करेंगे कि वो अंगूठी चारों तरफ प्रकाशित हो जाएगी। तो ये निश्चित रूप से आपका और हमारा दोनों का सौभाग्य है। रमेश जी ने आपको क्या बताया या क्या नहीं बताया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस विद्यालय से जुड़ा। कई लोग कहते हैं कि विलेश्वर में आप गए तो विलेश्वर की उन्नति हुई, मैंने कहा नहीं, मेरी उन्नति हुई है विलेश्वर के कारण। मैंने यहाँ करके मैंने 41 साल तक राजकीय सेवा में बिताए, मैंने जितना वहाँ अनुभव नहीं लिया, जितना ज्ञान वहाँ प्राप्त नहीं किया, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ आकर के सीखा, इस विद्यालय में आकर के सीखा। कुछ ऐसे संस्कार जो जन्मजात थे उन संस्कारों से भी मुझे यहाँ आकर के छुटकारा मिला, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस संस्था से जुड़ा। और अब चूंकि ये संस्था आपके कोचिंग सेंटर से जुड़ी है तो निश्चित रूप से हम भी जुड़ गए हैं, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए वास्तव में यहाँ गुदड़ी के लाल हैं, छिपे हुए हैं, उनको पहचानने वाले, उनको माहौल देने वाले लोग नहीं मिलते। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर, और आपने भी बताया कि ये यहीं का नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का, राजस्थान का एक 10 टॉप 10 में एक विद्यालय है। मैं भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट पूरे राजस्थान में मैंने विद्यालयों का निरीक्षण किया है, देखे हैं हॉस्टल देखे हैं, तो ये मैं सौभाग्य मानता हूँ। मैं अपने रांची सर के कई साथियों से कहता हूँ कि अपने तो घर बैठे बैठी भैंसे 50 पड़ गई हो, अपना सौभाग्य है कि अपने यहाँ ऐसी संस्था खुली है। रांची सर के बच्चे आज बहुत कुछ बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आप कह रहे हो हम संस्कार दे रहे हैं। अब बाबा रामदेव ने एक बात कही थी डॉक्टर समाज के लिए, और उससे कुछ पीड़ा भी हुई, हमें भी हुई, आपको भी हुई होगी क्योंकि आप सीधे इनसे जुड़े हुए तो हुई होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कारण है कि हम शिक्षा तो देते हैं पर संस्कार नहीं दे पाते, पर आपने कहा कि हम शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य। फिर सोना और सुहागा जब दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आभा, उसकी चमक है वो चारों ओर फैलेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके इतना ही कहूँगा कि आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनको माहौल नहीं मिल पाता क्योंकि वो शहरों में एडजस्ट ही नहीं हो पाते, शहरी लोग अपने स्वभाव से बात करते हैं, ग्रामीण व्यक्ति जो होता है ग्रामीण परिवेश में जो पला बड़ा होता है वो हमारी समस्याओं को समझता है, हमारे मन को समझता है, उसने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है फिर भी वो हमारे मन को समझता है, हमारे गार्जियन की मनोदशा को समझता है, और आपने समझा है। और इसके लिए भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रमेश जी यदि आप ऐसा कोई गुदड़ी का लाल देखें जो पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी सोच है आपके गार्जियंस की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
कि आपने ऐसे संस्कार दिए, तो अपनी शुभकामनाओं के साथ। सीएलसी के बारे में देखो, सब ने बहुत सत्य बोला और सबसे मेरा यही मानना रहा, मैं मेरा हो चुका लाइव में बोलने में समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बस जो पीछे इन बच्चों को देखा तो एक बात इन सबसे कहनी थी कि हो सकता आप 11th करके जाओ, मतलब 10th करके जाओ या फिर 12th के बाद जाओ टारगेट में। बात ये आती है कि फाउंडेशन जो बच्चा फाउंडेशन करके आता है, प्री फाउंडेशन फाउंडेशन, उससे आपको इन्फीरियरिटी या फिर आपको छोटा, मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे से ज़्यादा बड़ा है मार्क्स में एक बार का स्टार्टिंग में। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं गया 11th के अंदर CLC में, तो मेरे स्टार्टिंग में थोड़े नंबर कम आने लगे, मतलब थोड़ा मेरे को यार ये क्या हो रहा है, क्या अब वो पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन मैं मेरे जो राकेश ढाका, मैं फिर से उसका नाम बताऊँगा, जो एम्स आज उधर रायपुर में है, उसने मेरे से ये कहा कि मेरे यही रहा, उसका विट 12th नीट में नहीं हुआ था, उसका वो नीट में रह गया था, उसके नंबर कम आ गए, क्या नहीं होगा। लेकिन एम्स अगले साल हुआ, उसने एम्स ठोक के आ गया वो विट 12th, तो उसने मेरे से यही कहा कि करण तू बस लगा रहे, दूसरों की तरफ ज़्यादा मत ध्यान दे, मतलब ये कहेंगे तेरा नहीं होगा, बाकी तेरे ज्ञान और भी बहुत मिलेंगे तेरे को, कि तू बस एक नंबर का मारे वापस चला जा, कुछ और कर ले। मैं इसी बताऊँ तो उससे मेरे बात को मेरे बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब राकेश की बात से। फिर मैं अगले दिन राकेश, मतलब पेपर उसका हो गया एम्स का, वो मेरे मिलने आया कि मैंने पूछा कैसा पेपर कैसा हुआ, उस टाइम मैं पढ़ रहा था रूम में था, उसका पेपर अच्छा हो गया मेरा, तू तेरी तबीयत वगैरह, मैंने कहा सब सही है, बस मैंने बॉस से मिल लिया, मैंने कहा मिल लिया। तो बॉस ने आपने वही मेरी मार्कशीट दिखाई, 2-3 महीने रो चुके थे मेरे इतने के नंबर तेरे तो यार कब एक बार के कम है, तो उसने मार्क्स मेरे क्लोट करके दिए कि इतने मार्क्स है, मैंने 3 दिन में वो मार्क्स गेन करे। अब मैं समझ में बोलना ये, मतलब मेरा यही है कि इन बच्चों से मैं यही फिर से कहूँगा कि आप 11th और 12th 2 साल होते हैं आपके पास, आप मतलब थोड़े नंबर कम आएंगे, लेकिन आप 11th 12th कॉन्स्टेंट रहो, आप मतलब मेहनत करते रहो। जो मेरे साथ ही हुआ, मेरा भी 12th नहीं हुआ सिलेक्शन, नंबर में रह गया मेरे 543 नंबर थे मेरे, नहीं हुआ। लेकिन जब मैं टारगेट में आया तो जो चीज़ मेरे को 11th 12th में आधे घंटे समझ में आती थी, वो मेरे को टारगेट में 10 मिनट में समझ आने लग गई। उसके बाद क्लासें आप रेगुलर अटेंड में करता गया,